सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। जालान से बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं दीपू जी? हैदराबाद में काम करते थे। हाँ सर, आपको तो दीपू गारू बोलना पड़ेगा। हैदराबाद में काम करते थे, आप बोलना पड़ेगा मुझे। लॉकडाउन के वजह से आ गया घर पर। अरे दीपू जी, पहले मेरे एक सवाल का तो जवाब दीजिए। आप हैदराबाद से थे, आंध्र में थे, तो आपको तो दीपू गारू कहते होंगे लोग। मैं वर्तमान में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में काम कर रहा हूँ और मैं ग्राम बर्द डिस्ट्रिक्ट जालौन का रहने वाला हूँ। उससे पहले कहाँ काम करते थे? उससे पहले मैं खरगोन एमपी में सरिया सेटिंग का काम करता था। यहाँ पे भी मैं पुल का मैं सरिया सेटिंग का काम करता हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री से आपकी बात हुई, कैसा अनुभव रहा और क्या कहना था? बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमारे लिए एक अनोखा मौका था, जो अपने आप में सौभाग्यशाली है जो हमें ऐसा मौका मिला। और हमारी जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही है कंस्ट्रक्शन, उसको भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमें उसके लायक समझा कि ये बात कर पाएंगे और हमें उसके लायक समझ रहे हैं। मैं सरकार को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि मुझे अपने घर के पास में वही काम करने का मौका मिला जो मैं घर से 400-500 किलोमीटर दूर काम करता था, और उतना ही सब वहाँ होता था, उतना ही यहाँ जो मुझे वहाँ मिलता था वो यहाँ मिलता है। तो इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि हमें अपने घर के पास में काम करने का मौका मिला। कहाँ के रहने वाले? अभी वर्तमान में कहाँ काम कर रहे हैं आप? बुंदेलखंड एक्सप्रेस। आज प्रधानमंत्री से आपकी बात हुई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसा अनुभव रहा? बढ़िया है। उसके बुंदेलखंड में एक्सप्रेस में काम मिल रहा है, अच्छी बात है। बाहर नहीं जाना पड़ता है, पहले बाहर गया था लॉकडाउन की वजह से भाग गया है। सरकार की ये योजना आपको कैसी लगी? अच्छी लग रही है सर। तो इसके लिए सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आभार व्यक्त करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री से आपकी क्या बात है? किधर काम कर रहे हो? प्रधानमंत्री ने हमने बोला बुंदेलखंड एक्सप्रेस में काम कर रहा हूँ। अब आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा? बाहर नहीं जाना है, अब इधरी मिल रहा है, गांव के पास में है, 4-5 किलोमीटर इधरी काम करेंगे जब तक ये बनेगा। शुरुआत किया है मैंने, लास्ट करेंगे। कहाँ के रहने वाले और अभी कहाँ काम कर रहे हैं? सर, मैं रहने वाला तो कुशीनगर का हूँ, डिस्ट्रिक्ट जो यूपी में पड़ता हूँ, लेकिन यहाँ काम करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में काम चल रहा है, इसमें मैं कार्यरत काम कर रहा हूँ। आज प्रधानमंत्री जी से वार्ता हुई तो कैसा महसूस कर रहे हैं और सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी परियोजना गावर कंस्ट्रक्शन जो काम कर रही है, गावर में काम करने का मौका मिला, गावर कंपनी हमको काम दी। मैं बहुत केंद्र सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को और यूपी के मुख्यमंत्री साहब को, कि उन्होंने इतनी बड़ी परियोजना का शिलान्यास रखा और मैं इसको बना के उनका वादा पूरा कर दूँगा। ये सरकार को मैं इसके पहले आप कहाँ काम कर रहे थे और किस वजह से आप जनपद आने हुए? इससे पहले मैं पोरबंदर गुजरात में काम कर रहा था और लॉकडाउन की वजह से मैं घर आ गया। उसके बाद से यहाँ मुझे इसलिए माधमपुर यहाँ सुना एक काम चल रहा है, मैं यहाँ आया, फिर मुझे यहाँ काम मिला। ओके, सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा।
आगे क्या सर, फिर आगे का क्या किया? लॉकडाउन लग गया इसलिए सर काम घर पर आ गए। और अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? बुलेटखंड एक्सप्रेस में काम कर रहा हूँ। अच्छा, पुलिया बना रहा हूँ। तुरंत काम मिल गया आप करके? एक महीने बाद मिला था। अच्छा, जो उतना कमाते हैं कि कम कमाते हैं? नहीं, बराबर कमाते हैं सर, उधर भी इतना मिलता है। बराबर कमाते हैं। आधार कर रहे एक बार फिर आप सभी? हाँ सर, करते हैं। हाँ देखिए, ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है ना जी सर, ये एक प्रकार से इस पूरे इलाके का भाग्य बदलने वाला है जी सर, क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्रेस वे बनने के बाद वहाँ डिफेंस कॉरिडोर आने वाला है जी सर, और नए उद्योग आने वाले हैं। दीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।